नमस्ते मुरमा जी। नमस्ते मोनिशा। और आप लोग तो बहुत सारा अभी न्यूज देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो बहुत सारा माई मनीषा इधर, माई मनीषा उधर, माई मनीषा ये, माई मनीषा वो, जो कि मैं इस वीडियो में सारा सच्चाई बताने वाली हूँ, जो क्योंकि मेरे फैंस लोग तो जानते नहीं होंगे जो क्या बोलते हैं, क्या मेरी बात और क्या मुझे जो बुक किए थे उसमें क्या बात हुआ था, आप लोग तो जानते नहीं होंगे, तो आप लोग को लगता होगा जो माही मनीषा गलत है, तो मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं मेरी फैंस का कोई गलती है। 12 तारीख को खजौली में, मधुबनी जिला खजौली में शो था, और उस शो के जो मुझे बुक किए थे वो 12 बजे से बुक किए थे, 12 बजे से कुछ मिनट पे आपको चढ़ना है, मंच पे चढ़ना है, उससे पहले मुझे किसी और कलाकार का शो कराना, और भी कलाकार आए थे जो कि उनका भी शो करवाना था, तो मुझे टाइम दिया गया था जो 12 बजे आपको मंच पे चढ़ना है, तो मैं उससे पहले भी मैं होटल में थी, वहीं मधुबनी में, होटल में हूँ और मधुबनी में ही प्रोग्राम मेरा चल रहा है, ये नहीं कि मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ मधुबनी में, 3 दिन से मैं मधुबनी में ही प्रोग्राम कर रही हूँ। और भी क्या बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी था, मैं होटल से फोन कर रही हूँ सर कब स्टार्ट होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं जो क्या बोलते हैं 12 बजे आपको मंच पे चढ़ना है, आप लोग आराम से रहिए। हाँ। मैं हम लोग उसके बाद बोले चलो भाई, बोल रहे जो मुझे बुक किए उनका तो बात सुनना पड़ेगा ना, तो मैं हाँ। मैं उसके बाद छोड़ दी, मुझे कॉल आया जो क्या बोलते हैं अब आना है मंच पे, तो मैं जब उनसे पब्लिक कंट्रोल नहीं हुआ तब उन्होंने मुझे फोन किया कि नहीं अब आइए प्रोग्राम, तब तक मैं गई वहाँ पे, मैं गई भी और उसके बाद जैसे मंच पे से मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं जो क्या बोलते हैं ऐसा यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि मैं मंच पे बोली भी हूँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मैं अपने हिसाब से बोल रही थी, उधर से चप्पल उप्पल चल रहा था, वो तो प्यार है आप लोग का, क्योंकि आप लोग का दिल भी दुखा होगा, मुझे मालूम भी नहीं था, मुझे तो बाद में मालूम चला ना ऐसा ऐसा बात, जब मैं मुझे औरत लोग छुपा के रखी थी अपने घर में, आप सोचिए कितना बड़े कष्ट से हम लोग भी निकले हैं, तो उस टाइम मुझे सुनाई दिया कि आप लोग मतलब बताइए दरभंगा से कोई कहीं से, कोई कहीं से ट्रेन पकड़ पकड़ के आए हैं, तो कितना दुख लगा होगा हम लोग को कि आप लोग इतना मतलब ये थे देखने के लिए, और आप लोग को देख के तो मुझे इतना खुशी मिल रहा था, जो इतना सारा इतना छोटा कलाकार को आप लोग ने इतना सारा भीड़ लगा हुआ था जो हम लोग को देखने के लिए, हमको तो खुशी मिल रहा था इतना लोग आए देखने के लिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला जो नहीं 7 बजे से जो वहाँ पे स्टेज पे लॉन्चिंग कर रहे थे एंकर जो थे वो 7 बजे से ही चीटिंग कर रहे थे मेरे फैंस लोग के साथ, जैसे पब्लिक के साथ चीटिंग कर रहे थे, ये बोल रहे थे जो अभी आ रही है माही मनीषा जी, एक गाना के बाद माही मनीषा जी, ये क्यों नहीं बता रहे थे कि हम लोग टाइम दिए हैं कि 12 बजे से आना है, ये तो गलत बात है, लेकिन क्या बोलते हैं आपको मैं प्रूफ भी अभी प्रूफ भी मैं दिखा दे, मैं इसी वीडियो में आपको प्रूफ भी दे रही हूँ कि मेरा मैनेजर जी और जो काम बुक हुआ है उससे बात कैसे हुआ सब देखिए, आप लोग को लगता होगा जो माही मनीषा गलत है, ऐसा नहीं है, मैं अभी प्रूफ भी सुना देती हूँ, अभी आप लोग सुन लीजिए अच्छे से, तो इसे बात कीजिए कि राम कुमार भैया अध्यक्ष है। हेलो जी भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम, आप वहाँ का अध्यक्ष है जी, बोले थे हम लोग का कितना बजे समय दीजिएगा, 12 बजे के बाद का समय होगा सर आपका, 12 बजे ऐसा करिएगा कि 12 बजे हमारा 12 बजे 11 बजे एंट्री कराइएगा, 3 या 4 बजे तो 12 बजे कराइएगा, तो अच्छा 12 बजे कराइए, देखिए मेरा बात सुनो ना, हम बता 9 बजे हम प्रोग्राम शुरू करेंगे अपना सिंगिंग, ठीक है। हाँ 9 बजे से 12 बजे तक हम 3 घंटा खींचेंगे, क्योंकि हम सिंगिंग सबसे फोन बहुत पैसा लगा, 3 घंटे खींचिए 4 घंटे खींचिए, उससे हमको नहीं मतलब, 4 के बाद हम नहीं रुक पाएंगे, बोल रहे हैं जो क्या बोलते हैं हम 9 बजे से सिंगिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम मेरा बहुत पैसा लगा है सिंगिंग, जो कलाकार सिंगिंग के लिए आया था वो उसको बहुत ज्यादा पैसा दिया गया था, तो वो लोग 3 घंटा 4 घंटा वो लोग खींचेंगे प्रोग्राम, मतलब वो लोग प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम होगा, आप लोग सुनते रहिए, 4 बजे हम निकल जाएंगे, कराइए चाहे मत कराइए, इसलिए कि मेरा अगला भी शो है 12 से 4, ठीक है ना। हाँ पेमेंट क्लियर करवा दीजिए बोल के भैया, सब क्लियर करवा देते हैं, रात तक सब भेज देते हैं, ठीक है। होटल का लोकेशन भेज दीजिए, होटल दूर रूम होटल तुम्हारा, देखिए
आप लोग को इस ये से आप लोग को बिलीव हो जाएगा जो हम लोग का इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं मधुबनी में ही मेरा अगला मेरा फैंस लोग समझ रहे हैं कि माही मनीषा जानबूझ के लेट की है। हम 3 दिन से जब मधुबनी में तो कैसे लेट कर सकते हैं, जो कि मेरा पेमेंट भी मिल चुका। ऐसा होता है जो कहीं पेमेंट नहीं मिलता तो इंसान लेट भी कर देता है। पेमेंट मिल चुका था, मेरा पेमेंट भी मिल चुका था दिन में ही। अब मैं उसी जो वहाँ बुक किए थे उन्हीं के होटल में भी थी, वो वही रखे थे होटल में, एक होटल दिए थे क्या तो नाम था मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी होटल में मैं और थी। सीसीटीवी होटल का भी चेक कर सकते हैं कि जो कब से हम लोग होटल में थे। लेकिन मेरे फैंस लोग के साथ चीटिंग ये चीटिंग बस बहुत ये किया गया कि उन लोग को ये नहीं बताया कि माही मनीषा का प्रोग्राम 12 बजे से है, और वो लोग यही चीज माही मनीषा को देखना चाह रहे थे और माही मनीषा को देख नहीं पाए, सिंगिंग लेकिन चल रहा था तब तक। लेकिन जिसकी भी गलती हो, लेकिन आप लोग को लगता है अगर मेरी हम दोनों बहन का गलती है तो उसके लिए मैं सॉरी दिल से चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना फैंस आप लोग मेरा भगवान है। और खजौली में मैं जब देखी ना भीड़ तो मुझे लगा इतना प्यार करते हैं हम लोग से, और इतना अच्छा लगा वहाँ का, मतलब देख इतना छोटा कलाकार को आप लोग ने इतना प्यार दिया, इतना मैं देख रही थी आप इतना चाहने वाले हम लोग के भी है, मेरे को नहीं लगा था इतना। बहुत खुशी थी, मैं एक महीना पहले से वो वीडियो इतना वायरल हो रहा था कि माही मनीषा खजौली में आ रही, और वो मुझे अच्छा लग रहा था कि वहाँ का पब्लिक इतना प्यार दे रहे थे। लेकिन ये लोग चीटिंग किए जो हमारे साथ बुकिंग किए वो, और अलाउंसिंग जो कर रहे थे स्टेज पे वो चीटिंग किए हमारे फैंस लोग के साथ। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, बताइए। और ये भी बात, कितने दूर दूर से मेरे फैंस लोग आए थे, उनको पता नहीं वो इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था उसमें किसको क्या हुआ होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए। इतना कोई भी प्रोग्राम देखने आइए तो इतना मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग रहिएगा ना तो बहुत सारा कलाकार को देखिएगा, बड़े बड़े कलाकार को देखिए, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, जीरो हैं, लेकिन आप लोग रहिएगा तो बहुत सारा कलाकार को देखिएगा। आप लोग जहाँ भी जाइए अच्छे से जाइए, अपना सुरक्षित, हाँ अपना ध्यान रखिए, और इंसान सही रहेगा तो बहुत सारा कलाकार को देखिएगा, लेकिन माही मनीषा तो कुछ भी नहीं है। और आप लोग इतना प्यार किए वही मेरे लिए बहुत है, और इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा और देखिएगा। मेरी कोई गलती नहीं, अगर गलती हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, आप लोग माफ कर दीजिएगा। हाँ, और जो भी मुझे खजौली में देखने आए थे सब लोग से माफी मांगती हूँ माही मनीषा। अगर लगता होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अगले बार से मेरी जो भी गलती होगी, मेरी एक गलती थी जो मैं वीडियो बनाई थी तो मैं टाइम नहीं बताई थी। हाँ। जो 12 बजे से मेरा शो स्टार्ट है, सिर्फ ये मेरी गलती थी, और उसके बाद मेरा कोई गलती नहीं था, उसके लिए सॉरी मेरे फैंस लोग से माफ कीजिएगा, लव यू। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे खास करके खजौली में जितने भी मुझे चाहने वाले आए थे उन सबको लिए लव यू बहुत सारा, कि आप लोग इतना प्यार देने के लिए आए थे। लेकिन फिर कभी आप अपने माही मनीषा को जरूर बुलाइएगा, और जरूर आएगी आपकी माही मनीषा और आप लोग को जरूर अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो जय माता दी, हर हर महादेव।